शहरों में रौनक आएगी, फिर से गांव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया फिर मुस्कुराएगा इंडिया। खुद पर बने हर चुटकुले, हर उस फॉरवर्डेड मीम्स को आजकल जो चुपचाप सहते हैं, ये उनकी कहानी है जिन्हें हम गुरु, मैडम, सर या अपना टीचर कहते हैं। हाँ, ये वही हैं जिनकी क्लास में अक्सर तुम छुपकर टिफिन खाया करते थे, होमवर्क तो घर पर छूट गया मैडम, ऐसे बहाने बनाया करते थे। ये वही हैं जो तुम्हारी गलतियों पर अक्सर तुम्हें टोक दिया करते थे, जो गलतियां औरों ने की वो तुम्हें करने से रोक लिया करते थे। पर अपना वो रोकना ना टोकना सब कुछ जैसे फाइन हो गया है। अरे अब तो स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है, अब तुम होमवर्क करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, टीचर्स की डांट से अब कहां कोई बच्चा डरता है। अब तो क्लास बंक करना भी पहले से आसान हो गया है, बंक करके पबजी खेल के सोचना जैसे टीचर का ही नुकसान हो गया है। प्रकाश, काश तुम समझते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर वो अरमान रखा है, इस मुसीबत के समय कहीं तुम पीछे ना छूट जाओ इसलिए तुम्हारा हाथ इन्होंने थाम रखा है। कईयों के सफलता का ये वो अनकहा सा वजूद रहे हैं, तुमको आगे बढ़ाकर पीछे हमेशा खुद रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिंदगी में साक्षरता की कीमत तुम सीख लो, ये वो लोग हैं जिनकी अपनी जिंदगी में थोड़ी अहमियत तुम सीख लो। मैं जानता हूँ इस ऑनलाइन वाले अजीब से दौर में उन्हें तुमसे उम्मीद बहुत है, और ये भी जानता हूँ कि उन उम्मीदों पर पानी फेरने की तुम्हारे पास तरकीब बहुत है। मगर एक बात तुम भी जान ले, अगर सच लगे तो मान भी लेना, मीलों दूर घर बैठकर स्क्रीन को घूर कर सिखाना आसान नहीं होता। सैलरी टाइम पर मिले ना मिले, पर तुम्हें सिखाना इनके लिए कोई एहसान नहीं होता। वो हिंदी की मैडम जो तुम्हें कविताएं सिखाया करती थी पूरे क्लासरूम में घूमकर, आज उनकी कविताएं मिलती हैं तुम्हें गूगल मीट या जूम पर। वो मैथ के टीचर जिनकी सारी उम्र गुजर गई चौक और ब्लैक बोर्ड के साथ, आज वो भी पीछे नहीं है इस वर्क फ्रॉम होम के वर्कलोड के साथ, क्योंकि वो जानते हैं तुम इस देश के भविष्य हो, तुम्हें अभी हासिल वो मुकाम करना है, आगे चलकर तुम्हें रोशन उन सब का नाम करना है।
तो चलो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनका हौसला बढ़ाया जाए। इस जंग में वो अकेले नहीं उतरे हैं, तुम भी उनके साथ हो ये उन्हें बताया जाए, क्योंकि ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अब तक हार नहीं मानी है। इस मुश्किल से दौर में भी जो पढ़ा रहे हैं ये उन वीरों की कहानी है। सुनिए दुनिया, ये जहान हो गया, हर गली हर चौराहा वीरान हो गया। सहम कर बैठे हैं अपने घरों में महामारी से, मेरे मोहल्ले का हर चौक सुनसान हो गया। सुनिए दुनिया, ये जहान हो गया। लड़ रहे हैं वो जो अस्पतालों में कोरोना वायरस से, लड़ रहे हैं वो जो अस्पतालों में कोरोना वायरस से, वही नर्स और डॉक्टर भगवान हो गया। सुनिए दुनिया, ये जहान हो गया। खड़े हैं भूखे पेट सड़क और चौराहों पर, खड़े हैं भूखे पेट सड़क और चौराहों पर, कई दे रहे हैं खाना उन जरूरतमंदों को राहों पर, हर वर्दी वाला देश पर कुर्बान हो गया। सुनिए दुनिया, ये जहान हो गया। शर्म आती है देखकर उन जाहिल गवारों को, शर्म आती है देखकर उन जाहिल और गवारों को, उनकी तुच्छ मानसिकता और धर्म के ठेकेदारों को, कुछ जमातियों और निहंगों से देश बदनाम हो गया। सुनिए दुनिया, ये जहान हो गया। मत मारो पत्थर उन्हें, मत मारो पत्थर उन्हें, वो तुम्हें बचाने आए हैं। डूब जाए ना अंधकार में देश, वो दिया जलाने आए हैं। देखकर संभलो उन्हें, देखकर संभलो उन्हें, जो देश शमशान हो गया। सुनिए दुनिया, ये जहान हो।